Assalamu alaikum, this is Sajid from Qazi Grammar Boys High School Lahore. Hope you're all fine. Today we are going to discuss chapter number 11, Technology in Everyday Life, and our discussion topic is preparation of soap and detergent. घर के अंदर जो है वो हम किस तरह से soap और detergent जो है वो बना सकते हैं. डिटर्जेंट जो है वो कपड़े धोने के लिए जो हम सर्फ वगैरह इस्तेमाल करते हैं या बर्तन धोने के लिए जो लिक्विड इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे. सोप, इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि सोप और डिटर्जेंट होते क्या हैं. सोप एंड डिटर्जेंट आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पसेस. दीज आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग फैट्स आर ऑयल्स इन अ लिक्विड अल्कली. इनको किस तरह से बनाया जाता है कि फैट्स या फिर ऑयल्स को जो है वो अल्कली, लाइक आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसे आप बेस भी कहते हैं, या फिर आपके पास जो है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, उनके अंदर जो है वो इनको हीटअप किया जाता है. ऑल सोप्स एंड डिटर्जेंट जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब इनको डीकम्पोज किया जा सकता है बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म. द केमिकल प्रोसेस आर रिएक्शन ऑफ मेकिंग सोप इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट और ऑयल. जिस मेथड के तहत हम साबुन बनाते हैं उसे कहा जाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट या ऑयल, और ट्रेडिशनली इसको जो है वो स्पोनिफिकेशन के नाम से जो हम याद करते हैं. दिस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हैज बीन ट्रेडिशनली कॉल्ड स्पोनिफिकेशन एंड नोन फॉर सेंचुरीज. अब ये हमारे पास एक एक्टिविटी है कि किस तरह से जो है वो सोप को प्रिपेयर किया जा सकता है. सबसे पहले हमारे पास मटेरियल रिक्वायर्ड है कि कौन कौन सा आपको जो है वो मटेरियल चाहिए. सोप बनाने के लिए आपको तीन मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए. ऑयल चाहिए आपको या फिर फैट चाहिए. लाई लाई कहते हैं आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कली को कहा जाता है, और वाटर. अब आप प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप आर. हमने एक बीकर लेना है जो कि 20 ml ऑफ कैस्टर ऑयल इन इट, उसके अंदर जो है वो एसेंशियल ऑयल होना चाहिए. कैस्टर ऑयल जिसे हम कहते हैं वो 20 ml हमने मैयर करना है, और ये पिपेट के जरिए मैयर किया जाता है 20 ml. और उसके अंदर 30 ml ऑफ 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड टू द बीकर, और NaOH हमने उसके अंदर ऐड करना है 30 ml, लेकिन उसको भी कितना बनाना है 20% पहले बनाना है हमें. ये हमें लैब के अंदर प्रिपेयर्ड फॉर्म में भी मिल जाता होता है. उसके बाद हीट द मिक्सचर, मिक्सचर को हीट करेंगे और उसको स्टिर करना है कंटिन्यूसली जब तक कि जो है वो सॉप ना बन जाए, सॉलिड फॉर्म ना हो जाए. ऐड 5 to 10 gram ऑफ कॉमन सॉल्ट टू इट एंड स्टिर द मिक्सचर. 5 से 10 gram जो कॉमन सॉल्ट होता है जिसे NaCl कहते हैं, नमक कहते हैं, वो इसके अंदर ऐड कर दें. द फाइनल मॉलिक्यूल ऑफ सॉप इज कॉल्ड सोडियम स्टीरिएट एंड इज अ टाइप ऑफ साल्ट, और ये एक साल्ट की टाइप है. यहाँ पर आप देखें कि ये अपरेटस सेट किया हुआ हमने. ये हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बीकर है, ये इसके अंदर जो है आपको ब्राउन कलर नज़र आ रहा है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और वेजिटेबल ऑयल मिक्स किया हुआ है. ये वायर गेज है जिसे जाली कहते हैं. ये नीचे आपके पास लैंप या बंसन बर्नर जिसे कहते हैं वो लगा हुआ है. ये ट्राईपोड स्टैंड होता है जिसके ऊपर जो है वो इसको रखा गया है, और ये ग्लास रॉड है जिसके ज़रिए इसको जो है वो स्टिर किया जाएगा. जब ये सारा प्रिपेयर्ड हो जाएगा, सोप बन जाएगी, तो उसको, क्योंकि अभी ये लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसको जो है वो एक ख़ास किस्म का बॉक्स या शेप बनी होती है. ये लिक्विड यहाँ से निकाल कर इस शेप के अंदर डालेंगे, और जब ये कूल डाउन हो जाएगा तो ये साबुन की जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेगा. जो इस बॉक्स की शेप होगी उसी शेप में जो है वो हमारे पास सोप बन चुकी होगी. उसके बाद डिटर्जेंट है, मुख्तलिफ हम घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए. इनको किस तरह से बनाया जाता है देख लेते हैं. आ डिटर्जेंट इज़ अ सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड. फैटी एसिड की लॉन्ग चेन होती है और इसमें सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऐड होता है. इट हैज़ क्लीनिंग एक्शन इन वाटर, पानी के अंदर जो है वो इनका क्लीनिंग एक्शन होता है. डिटर्जेंट जो है वो डर्ट, गर्द को, ऑयल को फ्रॉम स्किन एंड क्लोथ ETC रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. डिटर्जेंट जो है वो सोडियम और पोटाशियम साल्ट, ये हमने पहले ही पढ़ लिया, कार्बोक्सैलिक एसिड से होते हैं ये. डिटर्जेंट जो है वो पानी, हार्ड वाटर के अंदर जो है वो सॉल्युबल होते हैं, मतलब कोई भी पानी उसके अंदर इनका झाग अच्छे से बन जाता है, वरना अगर हार्ड वाटर हो तो उसमें आप सोप वगैरह इस्तेमाल करें तो उसका झाग नहीं बनता. फॉर दिस रीजन डिटर्जेंट आर यूज फॉर क्लीनिंग क्लॉथ ETC इन हार्ड वाटर. डिश वॉशिंग डिटर्जेंट आर कॉमनली इन लिक्विड फॉर्म. बर्तन धोने वाले लिक्विड आपने देखा ही होगा घरों के अंदर किचन्स में मौजूद होते हैं. ये याद रखिएगा, डिटर्जेंट्स आर जनरली सोडियम और पोटाशियम, सोडियम Na पोटाशियम के सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सैलिक एसिड. उसके बाद
प्रोसीजर है कि डिटर्जेंट को जो है वो हम कैसे बना सकते हैं घर पे। इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए आपको? हाफ कप एप्सम साल्ट, उसका फॉर्मूला है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, हाफ कप चाहिए। 1.5 कप जो है वॉशिंग सोडा चाहिए, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। 1.5 कप बेकिंग सोडा चाहिए, Na2CO3 कहते हैं। ये कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, और ऊपर वाला सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद 1/4 जो है वो सी साल्ट चाहिए हमें, और देन जो है वो 20 to 25 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल चाहिए, जो कि ऑप्शनल हो सकता है। किसी भी किस्म का ऑयल खुशबू के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेग्रेंस के लिए। कहते हैं मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट वेल एंड स्टोर इन द जार। यू कैन यूज सिट्रस, मिंट और लेमन एसेंशियल ऑयल। सी साल्ट हेल्प कीप द कलर फ्रॉम फेडिंग। सी साल्ट ऐड करने का मकसद यह है कि उसका कलर मध्यम नहीं होगा, और जिससे जो है वो कलर कपड़ों को अगर कोई लग जाएगा तो उसको निकालने में आसानी होगी। एप्सम साल्ट जो है वो कपड़ों को सॉफ्ट कर देगा, ठीक है। तो जितनी अच्छी क्वालिटी का हम सर्फ इस्तेमाल करते हैं उसमें उतनी अच्छे इंग्रेडिएंट होते हैं, जिसकी वजह से कपड़े जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होते। और ये मैंने आपकी बुक से पेज शेयर कर दिया, आप देख सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट है, इसमें वो हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट और ऑयल के बारे में बताया हुआ है, स्पॉनिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है। ये आपके पास एक्टिविटी है और ये डायग्राम आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर डिटर्जेंट के बारे में लिखा हुआ है, और ये दो चार डिटर्जेंट उन्होंने बनाए हुए हैं, और ये प्रोसीजर लिखा हुआ है फॉर मेकिंग डिटर्जेंट एट होम। तो इस सब को जो है वो आप देख सकते हैं। ये जितना मैंने मार्क किया इसको आपने याद करना है। होप सो कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।